ये कहानी है दो अनजाने इंसान की, जिन्हें अनजाने में ना चाहकर भी एक सफर एक दूसरे के साथ करना पड़ता है। जहां एक अपनी लाइफ प्रोफेशनल तरीके से जीता है, जैसे कि हर कोई आम इंसान जीता है, तो दूसरा एकदम विचित्र है। उसकी विचारधारा दूसरों से अलग है, किसी छोटे बच्चे की तरह जो जिंदगी का हर पल खुशी में रहना जानता है। चाहे जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो बस उसे कॉमन बात लगती है। कहानी की शुरुआत में पीटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि आर्किटेक्चर है, जो अपनी पत्नी को रात के बुरे सपने के बारे में बता रहा होता है, जिसमें उसने अपने बच्चे को भालू के हाथ में देखा और भालू ने उस बच्चे की नाल काट दी। ये देखकर भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ। दरअसल पीटर काम के सिलसिले में अटलांटा आया होता है और अगले ही पल वो एयरपोर्ट पे होता है, क्योंकि उसे अपने होने वाले बच्चे के जन्म से पहले लॉस एंजलिस पहुंचना है। वो हर वक्त बस अपनी पत्नी से फोन पे बात करता रहता है और उसे पल पल की जानकारी देता रहता है, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। पर एयरपोर्ट पे उतरने से पहले उसकी टैक्सी का डोर पीछे से आने वाली टैक्सी उड़ा देती है। इस बात से दोनों ड्राइवर में बहस होना शुरू हो जाती है और तभी गाड़ी में से ईथन उतरता है। पीटर को वो बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि उसकी चाल, उसका पहनावा एकदम फ्रैंकी होता है, जैसे किसी अनमैच्योर्ड इंसान का होता है। उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसमें एक कुत्ता होता है। वो पीटर के पास आके बोलता है, मेरे दोस्त की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इतना सुनते ही पीटर समझ जाता है कि वो एक नशेड़ी है। पीटर उसे पूछता है कि तुमने शराब पी है? वो कहता है, नहीं, बस 2-3 कैरेट बियर पी है, जिसे पीने से इंसान ऊपर हो जाता है, ऐसे मेरे पापा बॉस बोलते थे। पीटर उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर फिर भी ईथन उसे बकवास सुनाता ही रहता है। इस बात से पीटर को समझ आ जाता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ था, और जाते जाते ईथन पीटर का बैग नीचे गिरा देता है। पीटर को लगता है कि आज का दिन शायद मेरे लिए बहुत मनहूस है। आगे पीटर को एयरपोर्ट अथॉरिटी चेकिंग काउंटर पे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ईथन से अपना कुछ सामान उसके सामान से बदल जाता है। वो सामान अथॉरिटीज अपने पास रखती है और पीटर को छोड़ देती है। यहाँ फिर से ईथन उसे मिलता है, जो उसके साथ फिर से उसी तरह पेश आता है। साथ ही साथ पीटर के साथ बात करते हुए वो टेररिज्म की बातें करता है, जो एकदम फनी होती है। पीटर उसे ऐसी बातें करने के लिए रोकता है और इनकी ये बातें सुनकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज पे उनपे शक होता है और वो दोनों को इंक्वायरी के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंसान है। इस वजह से दोनों को फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है, मतलब वो दोनों अभी फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते, क्योंकि बातों बातों में ईथन पीटर को अपना दोस्त बताता है। पीटर को किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना है, तो पार्किंग में से कार चुराने की कोशिश करता है। हालांकि उसका वॉलेट और सामान अभी भी लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट में ही होता है, और तभी ईथन वहां कार लेकर आता है, क्योंकि उसे भी लॉस एंजलिस जाना है और पीटर को ना चाहकर भी उसके साथ लिफ्ट लेनी पड़ती है। हालांकि वो जानता है कि ईथन की वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और जिसका बिहेवियर इंसानों से पूरी तरह अलग है। सफर के दौरान ईथन पीटर को अजीब अजीब सवाल पूछता है, क्योंकि वो बहुत बड़बोला होता है, जो लॉस एंजलिस हॉलीवुड जा रहा होता है एक्टिंग में अपना करियर बनाने। हालांकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पीटर को वो कहीं से भी कोई एक्टर नहीं लगता, हर कोई उसे बस बेवकूफ समझता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, जहाँ ईथन को पता चलता है कि पीटर अपने घर जा रहा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ईथन हर वक्त बस नॉर्मल इंसान की तरह हरकतें करता है। वो अपने स्पून से कुत्ते को खाना खिलाता है, और अब ये बातें भी पीटर को कॉमन लगने लगती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ईथन एक बेवकूफ इंसान है। ईथन अटलांटा अपने फादर के क्रियाकर्म के लिए आया होता है और उसने अपने पिता की अस्थियां कॉफी के टिन में भर के रखी होती है, क्योंकि वो बताता है कि मेरे पापा को कॉफी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने उनको कॉफी के टिन में भर के रखा। आगे बढ़ने से पहले ईथन बोलता है कि मुझे अपनी दवाई लेने एक जगह रुकना है। पीटर बोलता है, मतलब ड्रग्स? वो बोलता है, तुम्हें किसे पता चला? पीटर बोलता है, एयरपोर्ट पे तुम्हारे सामान में वही सब चीजें थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान के साथ यहाँ सफर कर रहा हूँ। तब ईथन कहता है, देखो, मेरे पास इस वक्त कार है, पैसा है, और तुम निहत्थे हो। मजबूर होकर पीटर को उसके साथ इलीगली ड्रग्स बेचने वाली लेडी के घर जाना पड़ता है, जहाँ उसके बच्चे उसे परेशान करते हैं। तब पीटर उन्हें अपने तरीके से समझाता है। आगे सफर में एक जगह ये दोनों कुछ पैसे निकालने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ ईथन के अकाउंट में
एक रुपया भी नहीं होता। पीटर इथन को पूछता है, तुमने चरस पे कितना पैसा खर्च किया? इथन बोलता है 200 रुपए, और अभी भी मेरे पास 60 रुपए है। पीटर बोलता है, बेवकूफ, तुमने अपना सारा पैसा चरस पे खर्चा किया? इथन बोलता है, ये तो बस छोटी सी बात है, क्योंकि वो इस शहर के इकलौते चरस बेचने वाली डीलर थी। अभी भी उसे सिर्फ चरस के बारे में ही पड़ी होती है। यहाँ इन दोनों में बहुत बहस होती है, और पीटर के हर एक सवाल का इथन बेवकूफी से जवाब देता रहता है। वो कहता है, अब तक तुमने अपने कार के नीचे जान क्यों नहीं दी? इथन बोलता है, वो मैं ट्राई कर चुका हूँ। अब मजबूरी में पीटर अपनी पत्नी को फोन करके इथन के अकाउंट पे पैसे मंगवाता है, क्योंकि उसका पर्स अभी भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा होता है। और जब ये लोग कैश काउंटर पे पहुँचते, यहाँ पर भी इथन का सरनेम अलग होता है। जिस नाम का उसका अकाउंट होता है, उस नाम का उसके पास कोई आईडी नहीं होता। उसके बदले वो काउंटर पे अपनी ऑडिशन वाली फोटो दिखाता है, जिसपे लिखा होता है इथन ट्रेम्बली। तब इथन कैशियर को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे दोस्त की वाइफ प्रेग्नेंट है, जल्दी उसे एक बच्चा होगा, मेरी थोड़ी मदद कर दे। इस बात पर कैशियर बोलता है कि मैं अपने बच्चे के जन्म के टाइम सीमा पर था। पीटर इस बात से कैशियर को चिढ़ाता है, जिस वजह से वो रिटायर हैंडीकैप ऑफिसर पीटर को अपनी स्टिक से बहुत मारता है, और ये देखकर इथन वहाँ से भाग जाता है। बाथरूम में कुछ बेवकूफी भरी बहस होने के बाद ये लोग अगले सफर पर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में एक जगह पर रुककर कार में ही सो जाते हैं। जहाँ इथन कार में टून करने लग जाता है, और उसे देखकर उसका कुत्ता सनी भी। पीटर ये देखकर पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है, और वो बाहर आकर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पूरी रात भर पीटर बाहर ही सोता है, और सुबह इथन को वॉशरूम जाते देख वो इथन का सामान बाहर निकलकर रख देता है, और वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। पर रास्ते में ही उसे इथन के पिता की अस्थियां दिखती है, जो उस कॉफी टिन में होती है। वो उसे रास्ते में फेंकने की कोशिश करता है, पर वो इंसानों के इमोशन को समझता है, और ना चाहकर भी वापस आ जाता है। इथन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, कुछ भूल गए थे क्या? पीटर बोलता है, नहीं, मैं तो बस नाश्ता लेने गया। तब इथन बोलता है, मुझे लगा कि मुझे छोड़कर भाग गए। अब ये लोग बारी बारी से गाड़ी चलाते हैं। इस बार गाड़ी चलाने की बारी इथन की होती है, और गाड़ी चलाते चलाते इथन की आँख लग जाती है। वो गहरी नींद में चला जाता है, और गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन को तोड़कर सीधे ब्रिज के नीचे छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो जाती है, जिसमें इथन को तो कुछ नहीं होता, पर पीटर का हाथ इंजर्ड हो जाता है। और जब पीटर हॉस्पिटल से बाहर आता है, तो इथन को वो खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। यहाँ उसे लेने के लिए उसका और उसके वाइफ का जिगरी दोस्त डिक लेने आता है। पीटर इथन को यहाँ छोड़कर जाना चाहता है, पर डिक उसे कहता है कि तुम बाप बनने वाले हो, उसके साथ तुम्हारा जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर लो, नहीं तो इसका असर तुम्हारे कर्मों पे पड़ेगा। पीटर कहता है, ठीक है, मैं उसे ले लेता हूँ, पर याद रखना, तुम उसे साथ लेकर बहुत पछताओगे। रास्ते में जाते जाते पीटर डिक को सारी बातें समझाता है कि उसकी वजह से वो कितनी प्रॉब्लम में फंसा। डिक के घर पहुंचने के बाद इथन को पता चलता है कि पीटर से ज्यादा डिक को पीटर की पत्नी सारा के बारे में जानकारी है। तो वो पीटर को बोलता है, यार पीटर, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब ये काल कलूटा सुडोल बंदा तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी के बारे में जानता है। यहाँ पीटर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, और तभी डिक कॉफी लेकर आता है, और इथन डिक को पूछता है, ये बताओ डिक, तुम सारा को टेक्स्ट मैसेज ईमेल करते हो? डिक बोलता है, हाँ, और क्या करते हो? अकेले साइबर सेक्स किया है कभी उसके साथ? नहीं, मतलब राई हिलाने से दही निकलता है ना। डिक पीटर को कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है? पीटर कहता है, मैंने कहा था पछताओगे। तभी पीटर कॉफी पीकर बोलता है, ये कॉफी इतनी अजीब क्यों है? तो डिक कहता है, मेरे पास कॉफी नहीं थी तो मैंने तुम्हारे पास वाला कॉफी का पाउडर यूज किया। तब पीटर बोलता है, डिक, उस टिन में कॉफी का पाउडर नहीं, इथन के डैड की अस्थियां थी। ये सुनकर डिक जोर की पिचकारी फेंकता है, और गुस्से में पीटर को कहता है, इसे बाहर निकालो जल्दी। अगले सफर में पीटर इथन को इमोशनल देखकर कॉफी के लिए माफी मांगता है। तब इथन बोलता है, कोई बात नहीं, उस गधे ने सिर्फ 3 कप कॉफी बनाई, वैसे स्वाद में अच्छे थे पापा बॉस, और शायद उनको कॉफी के मशीन में मजा भी आया होगा। पीटर बोलता है, हाँ। रात के समय जब इथन गाड़ी चलाता है, तो वो गाड़ी में चरस फूंकने लगता है, जिसके धुएं के कारण पीटर को भी नशा होता है। और वो जब इथन को देखता है, तब उसे इथन में एक काला भालू दिखता है। ये अनुभव पीटर के जिंदगी में सबसे मजेदार होता है, जिसके कारण शायद उसकी विचारधारा इथन के प्रति बदल जाती है, और दोनों भी नशे में मदहोश होके गलती से मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, जहां इनके पास पासपोर्ट न होने के कारण इन्हें सिक्योरिटी बॉर्डर पे ही रोक लेती है। पर यहां भी इथन पीटर को अकेला छोड़ भाग जाता है। सिक्योरिटी के सवालों से पीटर पक जाता है, उन्हें लगता है कि पीटर नशे के कारण अजीब अजीब बातें कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे उसी कंटेनर में हथकड़ी पहना कर छोड़ देते हैं, और इथन के
ड्रग्स लेकर बाहर नशा करने बैठ जाते हैं। इसका फायदा उठा के ईथन वापस आता है और पीटर जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को एक वैन से जोड़ के उसे उड़ा ले जाता है। सिक्योरिटी उनका पीछा करती है पर जाकर भी सिक्योरिटी पीटर और ईथन तक नहीं पहुंच पाती। पीटर थोड़ा सा और ज्यादा इसमें इंजर्ड हो जाता है पर पीटर को ईथन की इस मदद का अंदाज बहुत पसंद आता है क्योंकि पीटर को उसने किस मशक्कत से बचाया होता है सिर्फ पीटर ही जानता था। इस वजह से पीटर के अंदर का ईथन के लिए तिरस्कार द्वेष सब खत्म हो जाता है और अब वो ईथन का एक अच्छा दोस्त है और मेक्सिको पुलिस की गाड़ी उनके पास है। हालांकि पीटर जानता है कि ये सब पागलपन था और उन्होंने पहली बार जिंदगी में इतने सारे कानून तोड़े, पर शायद जिंदगी को इसी तरह जीना चाहिए क्योंकि वो अपने जीवन में हर एक इमोशन की कदर करना जानता है। अगले सफर में ये दोनों बहुत मजे करते हैं और एक जगह जहाँ बड़ी घाटियाँ होती है पीटर वहाँ गाड़ी रोक कर ईथन को उस सुंदर नजारे की झलक दिखाता है और कहता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे पापा बॉस को शांति मिलेगी। यहाँ ईथन इमोशनल होता है क्योंकि वो अब अपने पिता की अस्थियों को नहीं बहाना चाहता क्योंकि वो जिंदगी में पहले से बहुत अकेला है, अब वो और अकेला नहीं होना चाहता। पर पीटर उसे समझाता है कि जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जहाँ हर एक मोड़ पर हमें किसी अपने को खोना पड़ता है और एक दिन हम भी उसी बहती हवा में सफर कर रहे होते हैं अपनों को छोड़कर। शायद ऐसे ही किसी जगह पर प्रकृति में समाने के लिए तुम्हारे पापा बॉस अभी तक तुम्हारे साथ हो। ईथन, अपने पापा बॉस को इन्हीं घाटियों में घूमने दो, और तुम्हारे पापा बॉस भी तो यही चाहते थे ना। ये सुनकर ईथन उठ जाता है और ना चाह कर भी आंखों में आंसू लाके ईथन अपने पिता की अस्थियों को उन्हीं पहाड़ी घाटियों में उड़ा देता है और कहता है, पापा बॉस मामा को मेरा हाय कहना। और यहाँ पर दोनों भी अपने दिल का राज खोल देते हैं। जहाँ पीटर कहता है, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें उस लुधियाना के रेस्टोरेंट के सामने छोड़ दिया था। उसके बदले ईथन कहता है कि तुम्हारा पर्स और सारे आईडी कार्ड्स मैंने चुरा लिए थे। ये सुनकर पीटर ईथन को मारने लगता है। उसी वक्त सारा का कॉल आता है, उसके कारण उसे छोड़ वो अगले सफर पर आगे बढ़ने लगते है क्योंकि सारा को लिवर पेनिंग होने लगती है, उसकी डिलीवरी का वक्त हो जाता है। इसके चलते चलते वो दोनों भी जल्दी जल्दी लॉस एंजलिस की तरफ निकल पड़ते है। अस्पताल में पहुँचते ही पीटर अपने बच्चे को देखने जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक काला बच्चा होता है। उसे लगता है कि ईथन की बात सच निकली और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो गलत कमरे में होता है क्योंकि अभी तक सारा ने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं होता। और जब सुबह पीटर अपने बच्चे को देखता है तो वो गोरा होता है और वो एक लड़की होती है। जहाँ ईथन भी खड़ा होता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे की नाल काटी। ये सुनकर पीटर को उस सपने की याद आती है जो सपना उसने फिल्म के शुरुआत में देखा था, तो वो मन में सोचता है कि शायद यही था वो भालू। कुछ महीने बाद ईथन हॉलीवुड में किसी टीवी के कॉमेडी शो में काम कर रहा है और तभी पीटर के फोन पे ईथन की कॉल आती है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2010 में और इसकी आईएमडीबी रेटिंग थी 6.5, बजट था $65 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कमाई थी $212 मिलियन।